नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। सातवें चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। इसके बाद 1 जून को चुनाव होने हैं, 4 जून को मतगणना और उसके बाद परिणाम सामने आ जाएंगे। बिहार की अगर हम बात करें तो 40 में से 32 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। सातवें और आखिरी चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है। इन 8 सीटों में से सबसे अहम सीट कौन सी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यही सीट तय करेगी कि बिहार में कितनी सीटें किसके खाते में जाती हैं और देश में कौन सत्ता में आता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 8 सीटों पर मतदान होना है सातवें चरण में, सबसे कड़ी टक्कर कौन सी सीटों पर हो रही है? अगर हम अंतिम चरण सातवें चरण की बात करें बिहार में, जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है 1 तारीख को, तो उसमें सबसे जो लोगों के आकर्षण का जो सबसे बड़ा केंद्र जो होगा वो होगा काराकाट। काराकाट जी। काराकाट में लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है और वहाँ जो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगी है, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से NDA के प्रत्याशी हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा वहाँ दांव पर नहीं लगी हुई है। वहाँ पर दांव पर लगी हुई है भाजपा की प्रतिष्ठा, NDA की प्रतिष्ठा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा, और तो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के उन तमाम कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा वहाँ दांव पर लगी हुई है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बार वहाँ से काराकाट का किला फतह कर पाते हैं या फिर उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो काराकाट में इस बार दफन हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा का एक ये था कोट था, देश में नरेंद्र, काराकाट में उपेंद्र, ये पूरा होते नजर आ रहा है कि नहीं? वहाँ पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और चूंकि क्या है कि वहाँ जो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं जी, राजा राम सिंह कुशवाहा, वो दोनों कुशवाहा जाति से हैं। रही बात तो ये बगावत करके भाजपा से मैदान में उतरे हैं पवन सिंह के कारण क्या हो गया कि पवन सिंह का अपना एक भोजपुरी सुपर स्टार का एक उनके साथ एक अपना उनका क्रेज है काराकाट में। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो फॉरवर्ड कास्ट जिसको कहते हैं कि अगड़ी जातियाँ जिसको NDA का वोट बैंक कहा जाता है, तो अगर पवन सिंह वहाँ मजबूती से जिस तरह डटे हुए हैं तो माना जाता है कि अगड़ी जातियों में और खासकर राजपूत मतदाताओं में उन्होंने गहरी सेंध लगाई है। दूसरी बात रहा कि यह बात तो तय है कि कुशवाहा जो वहाँ कुशवाहा बहुल क्षेत्र भी है काराकाट, और कुशवाहा के मतदाताओं में वहाँ पर भी मत विभाजन होगा, तो कुशवाहा के साथ वहाँ, जबकि वहाँ साफ दिख रहा है इस समय कि वहाँ यादव जो हैं वो एकजुट हैं पूरी तरह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की राह काराकाट में इस बार आसान नहीं दिख रही है। राजीव जी, एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि पवन सिंह के साथ वहाँ खेसारी लाल यादव भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया का कोर वोट जो होता है वो यादव होते हैं, लेकिन इधर कुशवाहा के साथ साथ पवन सिंह जो हैं, पवन सिंह का पहले से ही ज़्यादा क्रेज़ है, जो भूमिहार हैं, जो राजपूत हैं, वो पहले से ही पवन सिंह के साथ है। ऐसे में जब खेसारी लाल यादव वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ यादव वोटर्स भी पवन सिंह के तरफ जाते दिखाई दे सकते हैं। नहीं, अभी खेसारी लाल यादव का वो कद नहीं हुआ है बिहार में कि वो यादव मतदाताओं को वो मोड़ लें अपनी तरफ, वो उतना बड़ा कद अभी खेसारी लाल यादव का नहीं हुआ है बिहार की राजनीति में। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए लोग उनको पसंद करते हैं और एक युवा वर्ग में उनका क्रेज भी है, लेकिन खेसारी लाल यादव यादव मतदाताओं को वो पवन सिंह के तरफ मोड़ देंगे यह संभव नहीं दिखता है।
दोनों ही कैंडिडेट जो हैं, एक राजू राम सिंह हैं और दूसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा, दोनों ही कुशवाहा जाति से हैं, दूसरी तरफ पवन सिंह हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी दावा कर रहे हैं कि अगर वो आते हैं इस बार काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो 2029 में हम वोट मांगने ही नहीं आएंगे, तो इससे जनता पे कुछ असर होगा। देखिए, वहाँ इस बार काराकाट की कहानी यह है कि काराकाट में इस बार जो काराकाट के जो निवर्तमान सांसद हैं उनका टिकट काट के उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया है। काराकाट से निवर्तमान सांसद जो थे वो थे महाबली सिंह, महाबली सिंह का टिकट काट करके, महाबली सिंह भी कुशवाहा जाति से ही आते हैं, तो उनका टिकट काट के उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ दिया गया है। तो एक कुशवाहा समुदाय समाज में, एक खास वर्ग में महाबली सिंह का टिकट कटने का गुस्सा भी है। दूसरी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो 2014 में वहाँ से सांसद रह चुके हैं और तब वो केंद्रीय मंत्री भी थे, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी थे केंद्र सरकार में। तो उनके खिलाफ वहाँ पर कई एंटी इनकम्बेंसी भी है कि वो जब वहाँ मंत्री बने थे तो उसको लेकर के वो अपने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किए, जबकि काराकाट वो विधानसभा, वो लोकसभा क्षेत्र है कि जहाँ की जनता को डालमिया नगर का जो औद्योगिक इकाई थी उसके शुरू होने का इंतजार है। फिर वहाँ पर सोन नदी के ऊपर पुल बनाने को लेकर के भी वहाँ लंबे समय से मांग होती रही है। तो इन क्षेत्रों में कुशवाहा 2014 में जब वहाँ सांसद चुने गए थे तो उन्होंने कोई खास काम नहीं किया था, तो इसको लेकर के वहाँ लोगों में गुस्सा है कुशवाहा को लेकर। और इस बार वहाँ एक यह भी आवाज़ सुनी जा रही है कि वहाँ से इस बार एक किसी नए प्रत्याशी को लोग चुनकर संसद भेजना चाहते हैं। तो अगर ये वहाँ पर जो कुछ भी दिख रहा है अभी तक, हम वंदना अपने दर्शकों को बताएं कि आज की रात के बाद, आज शाम चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जो दो रातें बचती हैं मतदान तक, वो कयामत, दोनों रात कयामत की होती है। और जितनी जातीय गोलबंदी जो होती है वो तब मुखर कर सामने आती है कि जब इन दो रातों में और ये जो तकरीबन 48 घंटों में जो अंतिम समय का जनसंपर्क होता है वो सबसे कारगर माना जाता है। तो अभी हालांकि मैदान में तीनों ही, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर राजा राम सिंह कुशवाहा हो या फिर पवन सिंह हो, ये तीनों ही अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि अंतिम समय में मतदाताओं को कि कैसे अपने पक्ष में गोलबंद करते हैं। तो अभी जहाँ तक दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि दो दिन के बाद कुछ और स्थिति बदले, लेकिन अभी तो जो स्थिति दिख रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब करते हुए दिखाई दे रहे हैं पवन सिंह जी। राजीव रंजन जी, ये तो काराकाट सीट की बात हुई, लेकिन 8 सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसके बाद भी कोई सीट ऐसी है जिस पर ऐसा लग रहा है कि कड़ी टक्कर है या फिर सबसे ज्यादा त्रिकोणीय और कड़ी करा जो मुकाबला है वो सिर्फ और सिर्फ काराकाट में ही? नहीं, उसके बाद जो सबसे हॉट सीट है वो है जहानाबाद की। जहानाबाद में भी मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। जहानाबाद से जो भी निवर्तमान सांसद हैं जदयू के, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, वो इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं, जबकि उनका मुकाबला आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव से है। इस मुकाबले को त्रिकोणीय तब बना दिया गया जब जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार बसपा के टिकट पर वहां से चुनाव मैदान में आ गए। तो ऐसी स्थिति में जो कोर वोट था जदयू का, एनडीए का हम कहें कि जो कोर वोट था, जो भूमियार वोट, भूमियार जहानाबाद भूमियार बहुल क्षेत्र है, तो भूमियार वोट जो था वो अरुण कुमार के तरफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो अरुण कुमार की तरफ जा रहा है, जबकि यादव और मुस्लिम वोट जो है वो पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा है सुरेंद्र यादव के पक्ष में। ऐसे में चंद्रवंशी जी को भी लेकर के जहानाबाद में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग उनसे काफ़ी नाराज थे। चंद्रवंशी जी पर भी ये आरोप लग रहा है वहाँ के मतदाताओं के द्वारा कि वो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कभी जहानाबाद की तरफ नज़र नहीं किया, जहानाबाद में उनको जितना समय देना चाहिए था अपने मतदाताओं के बीच वो ऐसा काम नहीं कर सके। तो इसको लेकर चंद्रवंशी जी के प्रति भी वहाँ पर काफ़ी गुस्सा दिख रहा है शुरू से। और ऐसे में अरुण कुमार का बसपा का प्रत्याशी बन करके चुनाव मैदान में उतर जाना, तो अरुण कुमार को लेकर के वहाँ भूमियारों में उनकी गहरी पैठ है। और समझिए कि एक तरह से कहा जाए कि वहाँ के 60-65% भूमियार मतदाताओं पर अरुण कुमार अपनी पकड़ रखते हैं। तो अगर यह वोट चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को ट्रांसफ़र नहीं होता है एनडीए के नाम पर, तो फिर वहाँ पर उनका जदयू का खेल या एनडीए का खेल वहाँ पर बिगड़ सकता है।
ऐसे में जो चंद्रवंशी जी का जो जो मुख्य मुकाबला जो था, जो पहले से हम लोग मान रहे थे कि सुरेंद्र प्रसाद यादव से है, तो सुरेंद्र प्रसाद यादव के साथ यादव मतदाताओं के साथ साथ पिछड़ी जातियों के कुछ और वोट और मुस्लिम वोट, ये जो एम वाई समीकरण जो बन रहा है जहानाबाद में, यह एम वाई समीकरण जदयू और उसके प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है जी। तो अभी हम उन सीटों पर बात कर रहे थे जो बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 जून को चुनाव होने हैं 8 सीटों पर। सबसे ज़्यादा चर्चा काराकाट किस लिए हो रही है, क्योंकि वहाँ कुशवाहा वर्सेस राजपूत की लड़ाई है और उसमें पवन सिंह जो पहले से ही भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के, ऐसे में उनके फैंस भी वहाँ पर भरे भरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी वहाँ पर जाकर लोगों से मिल चुके हैं, कई बड़े बड़े वादे करके आ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 जून को नतीजे सामने आते हैं तो किसका पलड़ा भारी पड़ता है। बाकी आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, अब आज के बाद प्रचार थम जाएगा और इंतज़ार सिर्फ और सिर्फ 4 जून को, 4 जून का होगा। बाकी आप इन सीटों को लेकर क्या कुछ सोचते कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।